मैं तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी है सांस की बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और भाई आई एम रियली सॉरी फॉर द लेट वीडियो बिकॉज आई कंप्लीट माय 31 डे चैलेंज एंड आफ्टर दैट आई वाज गोइंग टू एंजॉय माय सेल्फ। और आज के लिए इतनी इंग्लिश काफी है, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ तो डेली गेम प्ले अपने अपलोड होंगे। और यूएमपी ग्लेशियर के बारे में भी मैं बात करूंगा कि कब निकालनी है, कैसे निकालनी है, क्यों निकालनी है, लेकिन पहले मुझे पहले में पहला ही शुरू करने दो। चलो भाई, चलो भाई, और हाँ मैंने रणवीर सिंह के कपड़े भाड़े में लिए। इसके बाल बुड्ढे जैसे क्यों लग रहे? लेकिन खैर भाड़ में जाए, मेरे नीचे की तरफ एक घोंचू है जिसके फुट स्टेप मुझे घपा घपा रहे। तो मैं निकालता हूँ डोरेमोन का चटपटा गोटा और जैसे ही फेंकता हूँ मुझे एक घोंचू दिख जाता है। तो चल बैठ तू भी। अब ये मक्की चूस यहाँ पे मेरे टीममेट के ऊपर टीपी पी ले रहा था, लेकिन जैसे इसके ऊपर ग्रेनेड फेंका इसकी फट गई, उसके बाद में इसकी पॉटी निकल गई। खैर अब यहाँ पे कुछ बॉट्स वगैरह आ चुके थे। तो ये कौन है भाई? टूटा दिल चंदू भाई ने फिर से नाम चेंज कर लिया क्या? चंदू भाई इतना पैसा आ कहां से रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। रोज रोज रीनेम कार्ड से तुम कभी चांद कर देते हो, कभी टूटा दिल कर देते हो, कल को बड़ा बिल कर दोगे। खैर अभी मेरे आगे की तरफ ही कुछ घोंचू लोग थे जिनमें से एक बंदा मेरे टीममेट को परसा दे देता है। आ भाई यार रुक, तेरे को चटपटा गोटा देता हूँ। चले फिनिश हो गया भाई, फिनिश हो गया। लेकिन अब भी इसका एक लेसन बाकी है जो कि आगे की तरफ एक खतरनाक सी गन लेके बैठा था। भाई हेड लगा है भाई, इसकी फटके हाथ में आ चुके हैं। चंदू भाई इसको रिवर दे, तब तक मैं इसको परसद दे के आता हूँ। थोड़ा सा लूट लूँ क्या? चल भाई। टू 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 टू। अच्छा भाई दूर से ही मार दिया वरना देव से ना परसद दे दी थी। अब यहाँ पे इसको मार के लूट ही रहा था तभी ये देखो मेरे को इसकी पेटी में एकेएम दिख जाती है और ऊपर से मेरे आंखें से कुछ बंदे भी जा रहे थे, तो लगता है अभी परसा देना ही पड़ेगा। अबे यार भाई इसको मार मार के चमड़ी उतर चुकी, 10-12 हेड पड़ के दो चार गोलियां मार दी, ऊपर से भी एकेएम से 6-6 से भी मार दूंगा इसको। ये देखो फिर भी बच गया। अबे क्या सीमेंट खा के आए क्या भाई? खैर यहाँ से कोई उखड़ने वाला मुझे आगे की तरफ जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा भाई आगे जाके अगर मैं टपक गया तो मेरा जो सपना है एकेएम का किल फीड और ये पीटी का धुआं देखने का वो तो सपना सपना ही रह जाएगा। जिसके वजह से मैंने कहा पहले मारो बॉट उसके बाद में देखो सब कुछ। और ये रहा लसने बॉट। आह क्या बात है, दाल और भात है, एक नंबर दिख रहा है भाई सब कुछ। बहुत मजा आ रहा है मेरे को, लेकिन ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, अभी घुसाने की बारी है। चलो भाई, चलो भाई। अब यहाँ पे आते ही मैं समझ गया कि बंदे घपा घप कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं और इनको मारने के लिए मुझे शेरलॉक वाला दिमाग लगाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी ये देखो ये बंदे खुद ही शेरलॉक वाला दिमाग लगाने लग जाते हैं। यार मॉलीगॉड बनना ही पड़ेगा। ये जानवर को ज्यादा आईक्यू लगा रहा है भाई, इसको बताता है मैं एक बार मेरे को हीलिंग करने दो। गलत गल्ला ना करी, मॉलीगॉड से बचना नामुमकिन है भाई। और ये फाइट के बीच में बॉट का आना जरूरी है क्या है? इसको मारो। कह रहे यहाँ पे मेरे एक टीममेट को कुत्ते की मौत मौत के घाट उतार दिया गया है और उसका कातिल मेरे सामने ही चुपके बैठा हुआ है। बच गया। अब यहाँ पे तो मैं बच गया और मेरे 7-8 किल हो चुके थे। तभी मैं अपने बैग खोल के देखता हूँ तो मुझे फुलझड़ी दिखती है। अब ये क्या बवासीर है भाई? स्नोवी स्पार्कल, यूजेबल एरियाज, रैंकेड एंड अनरैंकेड मोड्स, चेयर पार्क, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, सारी जगह पे तो यूज ही कर सकते हैं इसको। क्या दिखाना है इसको कि कहाँ यूज कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते? तो मैं इसको जला के घपक अपने कंधे पे खुपसा देता हूँ। और यहाँ पे तो एक भी बंदा बचाव नहीं था इसलिए मैं अपनी गाड़ी उठा के आता हूँ इस साइड। और यहाँ पे आते हम पे बमबारियां शुरू हो जाती है। ये देखो और ये मेरे पास, ये सामने वाले बंदे की सोच एग्जैक्ट मेरी जैसी थी। मैं भी ऐसे कोई गाड़ी आती है तो नेट खींच के रख लेता हूँ ताकि जैसे कोई आए उसके पॉट निकल जाए। लेकिन बेटे वो हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है। लगता है इसको परसा देना ही पड़ेगा। ये ले, टू भी ले,
बस घोचू बहुत ही स्ट्रेटजी लगा रहे थे, मार मार के चमड़ी उधेड़ दी। खैर अभी यहाँ पे अपने 9 किल हो चुके हैं और बंदा यहाँ पे एक भी बचाव नहीं था। अपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही बंदे थे। मुझे लगता है इन लोगों ने कैंपिंग कर करके सबको मार दिया था, तो यहाँ पे रहने का कोई भी फायदा नहीं था। इसके लिए मैं उठाता हूँ अपनी गाड़ी और आता हूँ इस साइड। और भाई यहाँ पे ये बंदा मेरे खून का प्यासा क्यों था मैं समझ नहीं पाया। ये देखो अब यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक किया, उसने 2 बंदों को नॉक किया और ये बंदा सिर्फ मेरे को फिनिश मार के चला गया। क्यों भाई क्यों और कैसे? मेरे टूटे दिल के टीममेट को तूने छोड़ दिया और मेरे को फिनिश क्यों कर दिया? अब मैंने हमारे टीममेट से कहा, भाई आपको उसने फिनिश नहीं किया? तो उन्होंने मुझसे ये कहा, आपको फिनिश करने के बाद मैं रिटर्न यूटर्न मार दिया। मनी मनीष धक्को दबा रहा हूँ मैं। ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने, तुम्हारी चड्डी फाड़ दी क्या? खैर अभी मेरा रिकॉल बाकी था तो मेरा टीममेट मेरे को रिकॉल करने जा रहा था, लेकिन तभी ये देखो इसके सामने पलक जूसी दूदू हैं। ये कैसा नाम है भाई, जूसी दूदू? अब रिकॉल होने के बाद मैं अपने लूट उठाने फिर से यहीं पे आ जाता हूँ बेशर्मों की तरह, और तभी मुझे पता चलता है कि आसना में किसी ने फ्लेयर चलाई, तो लगता है घुसाना ही पड़ेगा। चल भाई चलो भाई चले। अबे यार भाई मार मार के इसकी चमड़ी उधेड़ दी लेकिन बच गए, और अब यहाँ से इसका कुछ भी उखड़ नहीं सकता। ऊपर से अगर मैं ओपन में जाऊंगा तो ये मेरे को मार मार के मेरे लसन लगा देगा, जिसके वजह से मैं पीछे जाके उठाऊंगा अपनी गाड़ी और गाड़ी से रश करूंगा ताकि रास्ते में पकड़ने का चांस ना हो। अब ये मेरी बर्फीली एकेएम से तो बच गया, लेकिन मेरी डोरेमोन के चटपटे गोटे से नहीं बचेगा। इसको लगा इस खिड़की से जाके उधर से ऊपर से कूद के मार दूंगा इनको। हाँ भाई लेसनिया बेटा 30 साल का तजुर्बा है गेम खेलने का, कौन सा बंदा किस कोने से किस कोने में जाएगा सब पता रहता है। भाई तमाशा देख रहा भाई खड़े खड़े यहाँ पे। खैर अभी इसको मारने के बाद मेरी आगे वाली बिल्डिंग में भी कुछ बंदे थे जो कि स्नो ब्लास्टर से अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे थे। हाँ भाई घोंचू कुछ करना है तो अपनी खजवी कैंपिंग के ट्रिके बंद करो, पता नहीं कहां कहां से लेके आ जाते हैं ट्रिके। लगता है अभी डोरेमोन का चटपटा गोटा देना ही पड़ेगा। ये ले बस और बस भाई बस। अरे आ भाई अरे ये किसने फेंक दिया भाई? चलो चल बड़ा तुम्हें पूरा अपने जुड़ जाओ। और अब इनको मार के जैसे 13 किलो गए हमारे ऊपर कहीं और से हमले होने लग जाते हैं। मौली ग्रेनेड लौकी लहसुन सब कुछ फेंकने लग जाते हैं बंदे, तो मैं यहाँ पे करूंगा पहले हीलिंग और उसके बाद भी देता हूँ सबको प्रसाद नीचे जाके। चलो बस घपा का प्रॉपर यहाँ पे 4 किल मार दिए और 5वां छुपा रुस्तम यही पे छुपा हुआ था, तो देता हूँ प्रसाद। चले चलो भाई चलो भाई इसी के साथ अपने यहाँ पे 17 किल हो चुके और बंदे बहुत ही कम बचे थे। ऊपर से जोन भी बहुत ही छोटा हो चुका है, जिसके वजह से मैंने अपने टीममेट से कहा, भाई यहाँ पे बंदे आसपास ही होंगे, ज्यादा दूर तो होंगे नहीं और मोस्ट प्रोबेबली वो बंदे नीले वाले घर में होंगे। ये मैंने अपने टीममेट से बोला ही था, तभी ये देखो। अरे भाई ये बंदा उसी पे जिस पे आप बोल रहे थे। मैं तो बोलता हूँ ना 30 साल का तजुर्बा भाई, तुम लोग तो झूठी मानते हो और देखो भी मैं क्या करता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओ नादा परिंदे घर आजा। अरे ये कैसे बच गया? दरवाजा जिससे वो अंदर ना जाए। लगता है ये वहां पे नहीं है। आखिर ये बंदा है तो है कहाँ? ये उधर है नहीं। ये ले अब कैसा प्रसाद मिलेगा। गलत गल्ला ना करी घोचू। और भाई यहाँ पे टाइम पास करने से अच्छा होता मैं इन पे रश कर देता तो इनका यही पे किस्सा खत्म हो जाता,
लेकिन मैं यहाँ पे थ्रोबॉल्स फेंक फेंक के उनको परेशान करता गया और तब तक वो बंदा रिवाइव हो चुका था। नीचे कूद रहा क्या वो? और जब तक मैं यहाँ पे पहुंचा ये बंदा रिवाइव हो चुका था, लेकिन तब भी इस ग्रेड से वो मर सकता था, लेकिन ये फिर से एन वक्त पे यहाँ से भाग गया। शिट, अब मुझे पता था इनको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये लोग नीचे नहीं आएंगे इसकी मुझे गारंटी थी। तो मैं यहाँ पे फिर से मगरमच्छ का घात लगा के बैठ गया और मुझे लगा था कि ये बंदा उस छत से इस छत पे कूदेगा और वो कूदता भी है, लेकिन फिर से बच गया। अब यार ये बंदा भाई बार बार बच रहा था, ले 12 से गए। सच कहूँ तो ये बंदे 3-4 बार बच गए थे। शायद इस मैच में इन लोगों का लक बहुत ही बढ़िया था और हमेशा की तरह हमारा घटिया। अब ये बंदे एक एक करके हमारे आगे जा रहे थे। मुझे लगा भाई हम पे रश करने के लिए ऐसा कर रहे, लेकिन इनका प्लान कुछ और ही था। ये बंदे लगाते हैं शेरलॉक वाला दिमाग और धीरे धीरे करके हमारे आगे जाके जोन में पहुंच जाते हैं। और इनकी ये खजू ट्रिक मेरे दिमाग में बहुत लेट आती है, जिसकी वजह से मैं लेट गया। अब इन बंदों को मैं पीछे ढूंढता हूँ, बहुत ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे मिलते नहीं। तो मैं अपना स्केटबोर्ड उठा के जोन में पहुंच जाता हूँ, लेकिन तभी ये देखो, अरे झूले पे गलत गल्ला कर दी भाई इन लोगों ने, खतरनाक दिमाग लगा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चकमा देके जोन में आ गए और अब हमें इनसे कोई बादशाह कोई सेलमोन भाई कोई नहीं बचा सकता, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा और ये सही भी लग रहा है तुम्हें। खत्म भाई, मामला खत्म हो चुका है। ओह शिट, दुनिया का झोल समझते ला 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 ला। अपने ही जुतियां पे से लौटने लग गए, लग गए, लग गए। अगर वहां पे इसको नॉक किया था तभी इसकी गर्दन दबोच देता तो ये नौबत मेरे पे नहीं आती, लेकिन मैंने बहुत ही हलगर्जीपना कर दिया उधर। हलगर्जीपना मतलब इररिस्पॉन्सिबल होता है शायद। खैर जो भी, यहाँ पे हम बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हमें जो करना था हमने कर दिया। और एकेएम ग्लेशियर की वीडियो में मैंने कहा था अगर उस पे 15,000 लाइक्स आ गए तो हम यूएमपी ग्लेशियर की ग्रेट ओपनिंग करेंगे, जो कि एक ही दिन में आ भी गए थे। तो लगता है अभी यूएमपी ग्लेशियर की ग्रेट ओपनिंग करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक ग्रेट ओपनिंग मैं तब करूंगा जब कोई यूसी का इवेंट आएगा। बिना इवेंट के मेरा लसन खरीदेगा यूसी। अगर आप में से किसी को पता है कि यूसी का इवेंट कब आने वाला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की मजदूरी करते ही पे खत्म। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। साहब 10,000 यूसी चाहिए थी। ठीक है भाई, 7,500 जमा कर दो। मैं जीपे करना चाहूँगा। ठीक है भाई, अपना नंबर बताओ। वो वाला जीपे नहीं तो कौन सा वाला जीपे? गांव।